पापा जो है वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है। और जो हम पढ़ा करेंगे सर कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं है सर कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। शिक्षा एक व्यक्ति के जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है वही समझाने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर एक छोटा बच्चा आप देख सकते हैं जो शिक्षा की गुहार को लेकर के दोस्तों बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुका है। अपनी शिक्षा को हासिल करने के लिए उन्होंने कहीं कसर नहीं छोड़ी और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों सभी नेताओं के पास मिले और अपनी बात रखी। और ये मध्य विद्यालय है जो कि सभी स्कूल में रहते हैं रहता है। और हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं, इसीलिए हम और हमको पापा जो है वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है। और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। तुम पढ़ाते हो? यस सर। कहाँ पढ़ाते हो? ऐसे ही पासवान नगर चौहरमल बाबा के। सीएम साहब क्या बोले? सीएम साहब बोले कि एगो आदमी वो शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब वराब जो है पापा पी लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है ये कहें तो एगो आदमी थे उनसे हमको बोले कि वो बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बोले तो वो बोले। तो तुम्हारी बात हुई सीएम साहब से? यस। क्या आप सर क्या बोले कि एडमिशन करवा देंगे? हाँ एडमिशन बोले कि करवा देंगे। इसके पहले हुआ था एडमिशन बोलने पर? इसके पहले नहीं हुआ था सर, हम हरमौत में आए थे तो मैंने ऐसे ही 2 मिनट रुके और चल गए फिर माला डाल करके। तो उस समय तो हम चल ही गए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, उस समय हम निराशा लेकर के घर आ गए। क्या बोलना चाहते हो तुम जी? हमको कहना ये है सर कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है सर, कोई नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। दीपक कुमार और सबके सर मरम तो नहीं बोल सकता है, लेकिन दीपक कुमार सर हैं जो कि जिनको की इंग्लिश पढ़ने में भी अभी गड़बड़ाहट होती है सर। तुम कितने से कितने की क्लास लेते हो? हाँ मैं अभी ऐसे ही एनसी से लेकर के 5 तक के लिए क्लास लेते हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा जी? सोनू कुमार। तुम कितने क्लास में पढ़ रहे हो अभी? हम अभी 6 क्लास में पढ़ रहे हैं। एनुअल एग्जाम ना मैंने फी नहीं जमा होने के कारण हमको थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो 6 से में हम रहे हैं। चलिए पहले और अभी नामों कट गया।